आज ये आखिरी रात है और अभी ये आखिरी खाना खा रहे हैं अपने रात करे और इंशाल्लाह सुबह ये अल्लाह की राह में जीवा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जैसे जानवर देख के घर में आया था तो मुझे पता लगा कि आज जाना है दावत में, और दावत किस चीज़ की है और कहाँ जा रहे हैं और क्या खाना है वो सब आपको मैं बताऊँगा। वहाँ पहुँच कर बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो जल्दी से चलता हूँ मैं नीचे कार में और आपको वहीं पहुँच कर दिखाता हूँ कि कहाँ जा रहे और क्या खा रहे हैं। तो पहुँचता हूँ दादाजी वही। पहुंच गया फाइनली, वो गालिब रेस्टोरेंट पर आया कि ऊपर चलते हैं यहाँ पर और वो ऊपर वहाँ पे जाना है, तो ये गाड़ी पार्क करते हैं इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। यहाँ पर आ रहे हैं और हलवा भी आई है, तो यहाँ से भी अंदर चलते हैं। तो आए हम यहाँ पर गालिब रेस्टोरेंट पर, तो अभी ऊपर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या सीन है। बच्चे हमें इंजॉय कर रहे हैं और ये एक और बच्ची जो हमारी है वो भागती हुई आ गई है। इधर उधर लिफ्ट से जाना है, इधर आ जाओ। अभी लिफ्ट में आ गए हम और सुहेल भाई है और अब्दुल्ला भी साथ है, कफील भाई भी जा रहे हैं ऊपर। एंड में खिंचाऊंगा तो फाइनली वेटिंग खत्म और जगह हमें मिल गई है, जा रहे हैं अपनी जगह। चलो बच्चे चलो, आ रहे सब आ रहे, चलो। इधर देखिए बस भी इन्होंने लगाई हुई है, बनाई हुई है और यहाँ पर चाय बन रही है या कुछ और भी बन रहा है। और ये चरगा वगैरह ये गया डिनर, ये सजी। हाँ W11 भी आ गई, तो जी ये पूरा गालिब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ और ये है पूरा गालिब और ये बाहर का व्यू। ये फाइनली सीट हमें मिल गई है, जो बैठते हैं टेबल मिल गई है और अभी ऑर्डर करते हैं और फिर खाना में जो भी आता है आपको पता। और भी दुनिया में सकन वर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज भाई। हाँ वाह वाह वाह, ये मेन्यू कार्ड है भाई इनका, देखते हैं। ये भी चाहिए और नान चपाती पूछ। आपको एक चीज बताने, बताओ आप बताओ। और ये इधर ताज बना हुआ है और एक मिनट रुको, और ये लिखा हुआ है माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ऑर्डर हमने दे दिया है, तो जैसे ऑर्डर हमारा आता है मैं आपको दिखाता हूँ क्या ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जो है वो आ गया है, खाना आ गया है। मटन कढ़ाई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा दूँगा। ये है मटका बिरयानी, बस ये सब्जी भी आ गई है। तो भी जी सारा ये हो चुका है क्लोज और बस अब हम भी चलेंगे घर की तरफ। ये लंजुआ से खाना खा लिया, खाना काफ़ी अच्छा था यहाँ का और अभी सारा ये क्लोज भी हो रहा है, तो अभी हम भी खा चलते हैं घर की तरफ।
तो जी अब जा रहे घर पे, खाना वाना हो गया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खाना था और मज़ा भी यहाँ पर बहुत आया। और अब आखिरी कस्टमर हम ही रह गए क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट जो है वो खाली हो चुका है और अब किचन की भी सफाई इनकी हो चुकी है और खाना पीना हो चुका है। और अभी हम जा रहे घर की तरफ। चलो पूरा खाली हो गया, इनका सारा स्टाफ बैठा हुआ है बस, और पूरा रेस्टोरेंट जो है वो खाली हो चुका है। अभी घर के काम है वो करते हैं क्योंकि कल ईद का दिन है और अभी घर वालों ने दिया है ये, इसको तो हम तरान के थे, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, जिससे गोश्त की जो कटाई है वो अच्छी हो जाती है, घर में जो भी चर्बी वगैरह है वो सब इससे निकल जाती है। तो अभी इसको जा रहा हूँ मैं तेज़ करवाने के लिए और दो तीन और काम है इंशाल्लाह वो भी करते हैं और फिर आपको बता दूँ आगे और भी काम हुआ कर। क्या किलो है? बड़ी मुश्किलों से घास जो मिल गया है, अभी चलते हैं और बकरों को घास खिलाता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह जो काम और होते करने के वो करता हूँ। जुनेद भाई अभी आम ले रहा है वहाँ से, वो आम लेते हैं फिर चलते हैं। अभी जी माशाल्लाह से अपने बकरे जो है वो खाना घास खा रहे थे आराम से, बिल्कुल मज़े से। और ये माहौल अभी यहाँ का कुछ इस तरीके का, ये इसको जो करवाना था मतलब धार तेज करवानी थी वो भी हो गई और शॉपर भी मैं लेके आ गया हूँ कल के गोश्त के लिए और बकरों को भी घास खिला दिया है। तो माशाल्लाह से सारे काम जो है वो हो गए और थोड़ा सा थक गया हूँ मैं, अब आराम करता हूँ इंशाल्लाह। असर की नमाज का जब टाइम होगा तो तब मैं नीचे उतरूंगा और उसके बाद नमाज पढ़ूंगा, फिर इनको खाना खिलाऊंगा बकरों को और इंशाल्लाह फिर जो भी काम होंगे करने को तो वापस करेंगे। और आप सबको हज बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हज जो है वो हो चुका है और कल हमारे यहाँ ईद है तो ईद इंशाल्लाह कल मनाएंगे ज़ोरों शोर से, आज समझ लो एक तरीके से चांद रात है। और आपको फिर से हज बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलते हैं सीधा घर पर। आज इनकी आखिरी रात है और अभी ये आखिरी खाना खा रहे हैं अपने रात करे और इंशाल्लाह सुबह ये अल्लाह की राह में ज़िबा हो जाएगी। आज का जो सारा काम तो हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा थक मैं चुका हूँ, लेकिन अभी भी टाइम नहीं है। सुबह जो है वो उठना है फजर में, फजर के फौरन बाद ईद की नमाज़, उसके फौरन बाद है कुर्बानी। तो आज चांद का रात को बहुत मुबारक हो, कल इंशाल्लाह ईद होगी तो ईद का अच्छा सा व्लॉग आएगा। तो इस वीडियो को जरिए एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।